हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है कुंभ राशि वालों के लिए। देखेंगे 30 अप्रैल से 6 मई तक क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल उनकी लाइफ में, ठीक है। 30 अप्रैल टू 6 मई कुंभ राशि एक्यूरस राशि क्या एक्सपेक्टेड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्लारिफाई पेज ऑफ कप्स प्लीज। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज। इस हफ्ते आप काफ़ी ज़्यादा शक्की नज़र आएंगे, काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ों को डाउट करते हुए, कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हुए, डिमांडिंग होते हुए नज़र आएंगे। इस हफ्ते आप बॉसी ज़्यादा रहेंगे, बहुत बॉसी पोजीशन पे हैं, काफ़ी ज़्यादा रूलिंग एनर्जी है, बॉसी एनर्जी है, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जो है काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आएंगे और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आएंगे, गुस्सैल स्वभाव में नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आप अपने काम में थोड़े से लाइक ऐसे हो सकते हैं कि इम्प्लॉयज़ को या अथॉरिटेटिव लाइक ऐसे हो सकते हैं मेरे हिसाब से काम करो वाली एनर्जी, थोड़ा सा दांत दपट सकते हैं उन लोगों को, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तैयार करेंगे, प्रेशर बनाएंगे काफ़ी ज़्यादा। अगर आप बॉस हैं, बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब भी करते हैं तब भी आप चांसेस है कि अपने सीनियर्स से, अपने बॉस से कुछ चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आपको लगेगा कि ऐसे बैठे बैठे बात नहीं बनेगी, मुझे बात करना पड़ेगा। लाइक खुलकर बात करते, स्पष्ट भाषा में क्लियरिटी देते नज़र आ रहे हैं। पार्टनर को लेकर काफ़ी इनसिक्योर रहेंगे इस हफ्ते आप, काफ़ी ज़्यादा पार्टनर को लेकर इनसिक्योरिटी महसूस नज़र आ रही है। और यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप धारणाएं बनाते नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर इल्यूजन्स क्रिएट करते हुए, ट्रैप में फंसते हुए एक ऐसी नज़र आ रही है एनर्जी जहाँ पर आप जो है पास्ट की वजह से, कुछ पास्ट को लेकर कहीं ना कहीं रिएक्ट करते नज़र आ रहे हैं। आप किसी स्थिति में खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, मुझे वहाँ पर एक नई शुरुआत ज़रूर दिख रही है फ्रैंकली स्पीकिंग। एक मिनट मुझे रिकलेक्ट करने दो, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स प्लीज क्लारिफाई पेज ऑफ कप वंस अगेन। यस डेफिनेटली आप इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है आपसे, आपके साथ कोई चीट कर रहा है, किसी की चीटिंग एनर्जी को लेकर आप डाउटफुल हैं, आपको किसी पे भरोसा होने में दिक्कत आती हुई नज़र आ रही है। आप किसी इंसान पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में हैं, उसके साथ एक नई शुरुआत ज़रूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर उनके साथ समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं आपको लगता है आपको किसी ने बिट्रे किया है, आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको किसी ने बैकस्टैबिंग की है, किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है, आप किसी से सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई सॉरी चाहिए आपको और आपके दिमाग में है कि ये व्यक्ति सॉरी बोले या चीज़ें ठीक करे आपके साथ आकर। रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग अ सॉरी। पहले मुझे लगा आप सॉरी बोल रहे हो, शायद पैचअप कर रहे हो, बट नहीं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप पैचअप नहीं कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये सॉरी। किस चीज़ पे फोकस है एक्यूरस राशि वालों का 30 अप्रैल से 6 मई तक, किस चीज़ पे फोकस है? आपकी प्रायोरिटीज़ तो बेसिकली आपका मनी और आपका करियर, आपके गोल्स दिख रहे हैं और आपकी फैमिली दिख रही है। आप अपने फैमिली को लेकर बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए, सबको समेटते हुए काफ़ी ज़्यादा एक आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपके गोल्स आप अचीव कर सकें और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी खुश रह सके। आप हैप्पी एनवायरनमेंट चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है 30 अप्रैल टू 6 में। क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ क्लैरिफाई यूनिवर्स। सन जजमेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको मूड स्विंग्स होंगे, आपको गुस्सा आ सकता है, आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ों को लेकर रिएक्ट कर सकते हैं, ओवर रिएक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। और आप किसी से सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको सॉरी बोले, आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा है जिसकी गलती आप माफ़ करने में आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही है, आपको लग रहा है वो व्यक्ति गलती कर रहे हैं और उस इंसान को ये लगता है कि आप उन्हें समझने में सक्षम नहीं, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे, आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें बार बार जो है चोट पहुंचा रहे हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपको
धोखा दे रहे हैं, वो व्यक्ति आपको बिट्रे कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपके साथ राइट नहीं है। अब दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत स्ट्रांगली। एक रिलेशनशिप में आप दोनों ही मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरते नज़र आ रहे हो। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत बॉसी हैं और बहुत गुस्सा कर रहे हैं और आप उनके पॉइंट को, उनके उनके मैटर को देखना ही नहीं चाहते। आप उनकी आप देख ही नहीं रहे कि आपकी क्या मिस्टेक्स है। आप उनको बार बार हर्ट करने का ट्राई कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं और वो आपको सच नहीं बता रहे हैं, खुलकर कुछ भी राइट नहीं बोल रहे हैं, और या तो ये आपको जो है जो भी ये करते हैं उस चीज़ के लिए सॉरी नहीं बोलते, इनको सॉरी बोलने की ज़रूरत है। इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस राशि वालों की लाइफ में 30 अप्रैल to 6 मई क्या हो रहा है। मेक द एफर्ट। यस यस यस। एक चाइल्डिश बिहेवियर या इमेच्योर बिहेवियर आपके अंदर देखा जाएगा इस हफ्ते। इस हफ्ते आप बच्चों से कम नहीं रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा बच्चों जैसी बिहेवियर में आप रहेंगे। मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन, एक एनर्जी ईगो भी रहेगी कि नहीं मैं क्यों ठीक करूँ, तुम आओ सॉरी बोलो, से सॉरी एंड ख़त्म करो इस चीज़ को। इस तरीके की एनर्जी। थोड़ा सा एफर्ट अगर आप डालें ना तो आपके रिलेशनशिप्स में जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स जो अगर आप फेस कर रहे हैं ना, अगर आप थोड़ा बात करने का प्रयास करें, चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन करें सामने वाले को, तो आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बेटर हो सकती हैं, रिलेशनशिप में सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिस पे आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी गलती को समझें, कि आप उन्हें बिना वजह इरिटेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो आपको सॉरी बोले, और आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं मैंने गलती नहीं की, मैं सॉरी क्यों बोलूँ, आप बोल रहे हो कि नहीं मिस्टेक तो की है। लाइक इस तरीके की एनर्जी है, जहाँ पर एक दूसरे को आप लोग जो है अजीब सा बिहेवियर देते हुए, नाराज़ होते हुए एक दूसरे से, ऐसी एनर्जी ज़्यादा है। आपको हैप्पी फैमिली चाहिए, आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, यू वांट मनी, करियर, फाइनेंस सब, बट उसके लिए कैसा है ना कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट देने की, लव देने की ज़रूरत है। सिर्फ आप अपनी लाइफ में लाइक डिमांड कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी सी गिविंग एनर्जी में आने की ज़रूरत है। यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के लिए मुझे गाइड करें करियर फाइनेंस कैसा रहेगा 30 अप्रैल से 6 मई तक। करियर और फाइनेंस तो मुझे काफ़ी अच्छा और बेटर पोजीशन पे दिख रहा है। घर खरीदने की कोई चांसेस हैं या कोई खर्चा आप कर सकते हैं, और अचानक से कोई धन लाभ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप अपने बच्चों को लेकर बहुत कंसर्नड हो सकते हैं, बच्चों को लेकर आप चिंता ज़्यादा करेंगे, ऐसी भी चांसेस बहुत दिखाई दे रही है अगर आपके बच्चे हैं तो। और बेसिकली करियर और फाइनेंस में आप ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं, पैसे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इनकमिंग हो रही है, चाहे ऑफिस में काम करते हैं या जॉब में, फाइनेंसेस बहुत अच्छे देखे जाएंगे इस हफ्ते। आपके काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल लेवल पे रहेंगे, और आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी या घर खरीदेंगे या एक नई कार खरीदते नज़र आएंगे, कहीं ना कहीं कुछ न्यू बाय करते हुए, कोई न्यू एक्सपेंसेस करते नज़र आएंगे, और काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी खुश होंगे। इस तरीके की एनर्जी है, और कहीं ना कहीं बस ओवरऑल मुझे एक ही एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपके अंदर आपके कैरेक्टर में देखी जाएगी, वो होगी बॉसी नेचर, थोड़ा सा गुस्सेल स्वभाव या इनसिक्योरिटीज़। थोड़ा सा ना इस चीज़ को लेकर मुझे डाउट है कि दिक्कत हो रही है। लेट मी जस्ट सी एडवाइस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है, डिवाइन एनर्जीज की एडवाइस क्या है कुंभ राशि वालों के लिए। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। एक्यूरियस राशि वालों, कुंभ राशि वालों, थोड़ा खुद को बदलो, थोड़ा सा पोलाइट एटीट्यूड में आओ। आई एम नॉट सेइंग आप अच्छे इंसान नहीं हो, बहुत अच्छे इंसान हो। कुंभ राशि वाले तो दयालु माने जाते हैं, बहुत दया दृष्टि और दयालु उनमें होता है स्वभाव, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और कुछ आपके एक्शंस ऐसे हो रहे हैं कि जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपके लिए कुछ करे, बट कुछ एफर्ट्स आपको डालने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप पोलाइट मैनर में चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप सामने वालों से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर रिटर्न में कुछ चीज़ें आपको भी जो अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए, जो पॉजिटिविटी सोचनी चाहिए, आप वो पॉजिटिवली नहीं सोच पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है इल्यूजन में ट्रैप हो रहे हो, आप धारणाएं बना रहे हो, धारणाओं में फंसकर सामने वालों को गलत ठहरा रहे हो, विदाउट लाइक बोलते ना
कुछ सोचे समझे बिना, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स बिगड़ रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ तो मुझे ज़्यादा बॉदर होती हुई दिख नहीं रही है, मुझे स्पेशली ये रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम दिख रही है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हैं तो आप पार्टनर से चाहते हैं कि वो आपके लिए जो है चीज़ें सॉर्ट आउट करें, ठीक करें, पर पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, आप अंडरस्टैंडिंग दिखाएं। और दोनों में बचपना काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है बचपना काफ़ी स्पेशली आप में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। चीज़ों को थोड़ा स्मूथली हैंडल करने की ज़रूरत है। ओके, जो लोग सिंगल हैं, लेट मी जस्ट सी एक्यूरियस राशि वाले जो सिंगल हैं उनके क्या एक्सपेक्ट, उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है 30 अप्रैल to 6th में। सिंगल्स की शादी कहीं या कहीं बात बन सकती है। इफ़ यू आर, अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो जाए, तो वहाँ कहीं कहीं बात पक्की हो सकती है, कहीं आपको कोई पसंद आ सकता है और लोगों के प्रति आपका अट्रैक्शन, मतलब कहीं ना कहीं लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्ट हो सकते हैं और आपको एक अच्छा प्रस्ताव किसी एल्डर पर्सन की तरफ से भी आ सकता है। देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ये ऑफ़र आपके लिए अच्छा ऑफ़र हो सकता है। काफ़ी स्टेबल, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको ऑफ़र होता हुआ और आप काफ़ी फ्यूचर के लिए ग्रो करते नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर सिंगल्स के लिए ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप सलून जा सकते हैं या आप अपनी फिटनेस वगैरह पे बहुत ध्यान देंगे, अपनी स्किन वगैरह का ट्रीटमेंट करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी ग्रो करते नज़र आएंगे, पूजा पाठ में और मैनिफेस्टेशन वगैरह भी आप करते नज़र आएंगे, इस तरीके की एनर्जी है। कुंभ राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो, ढेर सारा प्यार दो इस चैनल को। और उसके अलावा जो है आपको और कोई जानकारी चाहिए दूसरे चैनल या ब्रेसलेट्स की, तो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।